राजस्थान का बजट भले ही राजस्थान की सरकार विकास के लिए, नई उम्मीदों के लिए, आपनों अग्नि राजस्थान के लिए बता रही हो, लेकिन निगाहें उपचुनाव पर भी रही हैं। राजस्थान में संभवतः हरियाणा के चुनाव के साथ ही उपचुनाव की तिथि घोषित होगी और उसी वक्त राजस्थान में भी 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। बजट में उन सीटों का कितना ख्याल रखा गया है बताएंगे आपको राजस्थान चौक की इस स्पेशल रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजस्थान में बजट आया है और बजट में उपचुनाव की बात भले ही शाब्दिक तौर पर ना हो, लेकिन जो लेखे सदन पर रखे गए हैं वो बताते हैं कि राजस्थान की 5 सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर संभावित तौर पर विकास की बयार बहा दी गई है। कोशिश की जा रही है राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से कि विकास के दायरे में वो 5 विधानसभा क्षेत्र जरूर आए जहां पर बजटीय प्रावधानों के जरिए चुनावी तौर पर वोटर्स को साधने की कवायद की गई है। हालांकि सरकार के मंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो जन भावनाओं के आधार पर चुनाव में जाएंगे, भेदभाव किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं होगा, लेकिन ये आवंटन के लिहाज से क्या क्या राहत बरती गई है, दौसा सीट पर जहां उपचुनाव होना है, झुंझुनू पर, और देवली उनियारा जो टोंक जिले की सीट है जहां पर हरीश मीणा चुनकर लोकसभा में गए हैं, इसके अलावा खींवसर नागौर बड़ी चर्चित सीट है, वहां पर इंडिया गठबंधन से चुनाव होगा, आरएलपी अलग लड़ेगी या बीजेपी कहां दावेदार तलाशेगी, पुराने जो आरएलपी से बीजेपी में आए थे उनको अब उतारा जाएगा या फिर से ज्योति मिर्दा को हैट्रिक के तौर पर वहां उतारा जाएगा या किस पर दाव लगाया जाएगा, बड़ी चर्चित सीटों में एक है। और एक सीट 84 जहां से राजकुमार रोत राजस्थान की राजनीति की नई इबारत लिख रहे हैं, बांसवाड़ा जिले से आती है वहां पर, तो उपचुनाव यहां 5 सीटों पर होने हैं और बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि जो खामियां, जो गलतियां और जो लापरवाही लोकसभा चुनाव के दौरान रही है वो आगे ना रहे। उपचुनाव में 5 सीटें एक तरीके से इंडिया गठबंधन या यूं कहूं 3 सीटें कांग्रेस के पास है, 1 आरएलपी के पास, 1 बाप पार्टी के पास है, तो इन 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत ना हो, बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज्यादा सीटें वो सत्ता में रहते हुए उसका लाभ जनता के लिहाज से जनता के मानस में सेट करके करे। इसीलिए संभवतः माना जा रहा है कि उपचुनाव जो होने हैं वो संभवतः नवंबर दिसंबर तक जब हरियाणा के चुनाव होंगे तब होंगे, तो ऐसे में एक समय भी मिलेगा जनता तक उन योजनाओं को डिलीवर करने का, फोकस भी पूरे तरीके से रखा है। तो आइए आपको विधानसभा वार बताते हैं कि बजटीय प्रावधान क्या रहे हैं। झुंझुनू के लिहाज से बात करें तो सैन्य क्षेत्र रहा है, बड़ी संख्या में वहां पर सैन्यकर्मी है, साथ ही जो शहीद हुए हैं वो परिवार भी वहां पर है, स्वतंत्रता सेनानी भी झुंझुनू के क्षेत्र में है और इस इलाके की पहचान भी खास तौर पर यही है। स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली राशि 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दी गई है। इस घोषणा के जरिए झुंझुनू सीट को सीधे तौर पर साधने की कवायद है। झुंझुनू के लिए यमुना जल की सौगात, सोलर पार्क, बाईपास के लिए 161 करोड़ के प्रावधान, ये ऐसे किए गए हैं ताकि जनता को लगे कि बीजेपी की सरकार अब उनके लिए काम करने वाली है। 84 विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, बांसवाड़ा आदिवासी जनजाति बहुल है, पूरे विभाग के लिए 1800 करोड़ का प्रावधान रहा है, लेकिन आदिवासी बहुल 84 विधानसभा क्षेत्र में जहां बीएपी अपना प्रभाव पूरी तरीके से जमाए बैठी है वहां क्या किया गया है, तो गोविंद गुरु जनजातीय विकास योजना में 75 करोड़ के विकास कार्यों के साथ वन अधिकार के तहत पट्टे देने की घोषणा बजट में की गई है। एक बड़ी मांग आदिवासी अंचल की रही है, आदिवासी लगातार उठाते रहे हैं और यही बात है कि इस बजट घोषणा के जरिए वहां कोशिश की जा रही है कि राजकुमार रोत की जो सीट खाली हो रही है वहां पर कौन प्रत्याशी आएगा, उससे पहले ही बीजेपी अपनी योजनाओं के जरिए अपनी पहुंच दर्शाए। दौसा टोंक दोनों मीना बहुल इलाके हैं, गुजर बहुल इलाके हैं और यहां पर मुस्लिम मतदाता भी हैं, ऐसे में किस राजनीतिक तौर पर ऊंट किस करवट बैठेगा ये भी साधने की कोशिश की गई है। और किरोड़ीलाल मीना यहाँ इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में नाराजगी बड़ी है। तो SC ST वोटर्स को ध्यान में रखे हुए SC ST फंड में 1500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है, बाबा साहब आम्बेडकर योजना की यहाँ घोषणा की गई है, दौसा में औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक हब के लिए आवंटन किया गया है, IIT ट्रोमा सेंटर 5 करोड़ की लागत से सड़कें, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, ट्रोमा सेंटर, आयुष्मान मॉडल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सौगातें दी गई हैं ताकि जनता के मानस में ये बताया जा सके
कि मीना जी की नाराजगी अलग है और बीजेपी की योजनाओं की विकास की रफ्तार अलग है। धारा तेज करने की कोशिश की गई है। खींसर जाट बहुल इलाका है, किसान बहुल इलाका है। उपचुनाव को देखते हुए नागौर में मिल्क प्रोसेसिंग सेंट प्लांट अपग्रेड करने सहित सड़कों के विकास की घोषणा की गई है। वहीं इस इलाके का नाम भले ही नहीं लिया गया हो, लेकिन ड्रग से जो पीड़ित है उन परिजनों को, उनकी माताओं को एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ये तमाम कोशिशें यहाँ पर है और सबसे अहम उपचुनाव जीतने की कोशिशें भी हैं। बीजेपी जल्दी यहाँ बैठक करने जा रही है, संगठन पदाधिकारियों के लिहाज से, सत्ता के लिहाज से, और अब सरकार फुल मोड में है कि उपचुनाव जीत कर ये मैसेज भी दे दिया जाए कि हार ही बीजेपी के खाते में नहीं है, जीत भी सकती है विधानसभा जीतने के बाद। राजस्थान चौक के आप नियमित दर्शक हैं तो उपचुनाव के लिहाज से घोषणाएं कितनी कारगर साबित होंगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे खास और अहम खबर के साथ। नमस्कार।